नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 11 के भूगोल विषय में पहले लेसन के अंतर्गत भूगोल की शाखाओं का अध्ययन करेंगे, जो कि यह वीडियो इस लेसन का तीसरा वीडियो होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं कि भूगोल के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम उन बातों को समझ लिए हैं, उसका अध्ययन कर लिए हैं, तो हम बहुत कुछ ये निश्चित हो जाएंगे कि भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि भूगोल की शाखाएं, देखिए भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती हैं। भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। देखिए भूगोल अध्ययन किसका करता है? अगर भूगोल की परिभाषा पर हम जाएं तो स्पष्ट हो जाएगा कि भूगोल मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा जा सकता है। भूगोल जो है धरातल के परिवर्तनशील स्वरूपों का अध्ययन है। भूगोल धरातल के परिवर्तनशील स्वरूपों का अध्ययन है। अब धरातल में जो चेंजिंग आता है, जो बदलाव आता है, उसके दो कारक हैं। कुछ ऐसे कारक हैं जो प्राकृतिक हैं या भौतिक हैं, कुछ ऐसे कारक हैं जो मानवीय हैं। इसलिए भूगोल की दो मुख्य शाखाएं होती हैं, या भूगोल को मुख्य रूप से दो शाखाओं में डिवाइड किया जाता है। नंबर एक भौतिक भूगोल और नंबर दो मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम लोग भौतिक घटनाओं से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, और मानव भूगोल में मानवीय घटनाओं से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं। इस आधार पर भौतिक भूगोल की कई उपशाखाएं हैं और मानव भूगोल की भी कई उपशाखाएं हैं। आइए इनके बारे में एक एक करके जानकारी थोड़ी सामान्य जानकारी प्राप्त कर लें कि इन शाखाओं के अंतर्गत या इन विषयों के अंतर्गत हम किन बातों का अध्ययन करते हैं। देखिए पहला है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत धरातल पे जो विभिन्न प्रकार के भू आकृति लैंड फीचर्स दिखाई पड़ते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये सब चीजें भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। धरातल पर जो विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूप, उनका विकास कैसे होता है, उनका निर्माण कैसे होता है, किन घटनाओं से, किन बलों से धरातलीय स्वरूपों का विकास होता है, उनके विकास का क्रम क्या है, उनकी अवस्थाएं क्या है, इन कुछ बातों का अध्ययन जो है भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। जलवायु विज्ञान एवं मौसम विज्ञान, जलवायु मौसम विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत मौसम विज्ञान या जलवायु के अंतर्गत हम लोग जलवायु से संबंधित बातों का, तथ्यों का, जैसे आर्द्रता, तापमान, हवाएं, वायुदाब, इन सब का अध्ययन करते हैं। जलवायु प्रदेश आदि का अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत, क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला जो है समुद्र विज्ञान ओशनियोग्राफी, यानी कि सामुद्रिक भूगोल, सामुद्रिक विज्ञान। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सागरों महासागरों की उत्पत्ति, उनका उच्चावच, सागरों महासागरों की गतियां, जैसे ज्वार, भाटा, लहरें आदि का अध्ययन हम लोग समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा
समुद्रों की लावणता, समुद्रों में तापमान का वितरण, इन सब बातों का भी समुद्र विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला जो है वह है जैव भूगोल। जैव भूगोल के अंतर्गत जीव जंतुओं का या जैविक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। चूंकि जैविक तथ्यों के अंतर्गत या जीवों के अंतर्गत पेड़ पौधे वनस्पति एवं जीव जंतु दोनों शामिल किए जाते हैं, इसलिए जैव भूगोल की दो उप शाखाएँ और निर्मित हो जाती हैं, या जैव भूगोल को दो उप शाखाओं में बांटा जाता है, पादप भूगोल और जंतु भूगोल। पादप भूगोल के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं और जंतु भूगोल के अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोजियोग्राफी के बाद पर्यावरण भूगोल यानी कि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग पर्यावरण से संबंधित बातों का, जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, इन सब बातों का अध्ययन, पारिस्थितिकीय तंत्र, खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला, ऊर्जा पिरामिड, इन सब बातों का अध्ययन हम लोग पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत हम लोग मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। अगला है मृदा भूगोल, सॉयल ज्योग्राफी। सॉयल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार, मृदा का वितरण, इन सब बातों का अध्ययन करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं मानव भूगोल की शाखाओं को। देखिए मानव भूगोल की एक चीज और जानने आपको कि यह भौतिक भूगोल की और भी शाखाएं हो सकती हैं या हैं, जैसे खगोल विज्ञान, गणितीय भूगोल आदि, ऐसे और भी भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं मानव भूगोल को। मानव भूगोल को भी कई उप शाखाओं में या उप विभागों में बांटा जाता है, जैसे आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग मानव के आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक विकास का, संसाधनों का, इन सब का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल को निम्नलिखित शाखाओं में बांटा जा सकता है, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल और परिवहन भूगोल। अगली जो शाखा है मानव भूगोल की वह है जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि, जनसंख्या के संघटक जैसे लिंगानुपात, आयु वर्ग आदि विभिन्न तथ्यों का अध्ययन हम लोग जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अगला है अधिवास भूगोल। क्या है अधिवास भूगोल यानी कि सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग मानव बस्तियों का अध्ययन करते हैं। चूंकि मानव बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक नगरीय बस्तियां और नंबर दो ग्रामीण बस्तियां। इस आधार पर अधिवास भूगोल को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, नंबर एक ग्रामीण अधिवास और नंबर दो शहरी अधिवास या नगरीय अधिवास। आप ध्यान देखेंगे आवाज को सुन करके, नंबर एक ग्रामीण अधिवास और नंबर दो शहरी अधिवास या नगरीय अधिवास। अगला है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग जो कुछ हमको धरातल पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भूगोल जो है वह धरातल के परिवर्तन से स्वरूपों का अध्ययन है, तो इतिहास, उन सब का इतिहास का अध्ययन हम लोग ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं कि किसी स्थान का स्थल स्वरूप किस काल में कैसे रहा होगा और उसका कैसे कैसे विकास हुआ।
राजनीति भूगोल के अंतर्गत हम लोग राजनीतिक घटनाओं का भौगोलिक भूदृश्यों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इसके अंतर्गत सरकार, जनसंख्या, प्रसन्नता, शासन के प्रकार आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल यानी कि कल्चरल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग मानव के खान पान, रीति रिवाज, बोलचाल, वेशभूषा आदि का अध्ययन हम लोग सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग भूगोल का अन्य विषयों से संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे।